सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरी, आप देख रहे हैं टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको जो बताऊंगा एक ऐप के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट। ये इस ऐप से आप सिंगली वन क्लिक में अपने मोबाइल के जितने भी सारे फोटो वीडियो एसएमएस कॉन्टैक्ट्स सभी को आप हाइड कर सकते हैं विदाउट किसी को दिखाए। यानी आपका मोबाइल ये सिक्योर रहेगा इस ऐप के द्वारा। आप इसको इस ऐप को कैसे चलाना है और ये आपको कहाँ मिलेगा सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कहिए अंत तक मेरी इस वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो में लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मेरी मोबाइल की स्क्रीन में। अब मैं आपको बताता हूँ इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कैसे करना है और इस सॉफ्टवेयर का काम कहाँ है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आ जाइए दोस्तों। कुछ इस तरह से आपको प्ले स्टोर में आप सर्च कर लीजिए वर्ल्ड बोल के। तो यही जो एसएमएस है आप इस सॉफ्टवेयर ये बता रहे हैं आपको एसएमएस आपकी पिक्स आपकी ऐप्स या फिर आपकी वीडियो जो भी सारी डेटा है सबको यहाँ पर वो स्टोरेज करेगी और सिक्योर करके आपको लॉक करके रखेगी। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल करके रख दिया था। तो आप भी इसको सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपको इसको यहाँ पर करना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आप सिंपली इसको यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं गलत दे रहा था और मैंने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पासवर्ड मैंने इसको क्रिएट करके रखा था दोस्तों। मैं आपको वही दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड देने के बाद कुछ इस तरह से ये खुल जाता है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। मैंने ये पहले से इसको पासवर्ड को क्रिएट करके रखा था। तो सिंपली दोस्तों आपको अगर कोई भी वीडियो आपको हाइड करना है आपके मोबाइल से तो आप सिंपली इस वीडियो में क्लिक कीजिए। इसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा सारा वीडियो यहाँ पर आपको शो करेगा। आप सिंपली बिना शो करे यहाँ पर प्लस मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर दो वीडियो है दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंपली इसको इनपुट कर रहा हूँ। ये वीडियो यहाँ पर जैसे इनपुट होगा दोस्तों ये वीडियो मेरा लॉक हो गया। अब ये वीडियो मुझे मेरी मोबाइल में नहीं शो करेगी। ये वीडियो हो गया। अब मैं अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो में भी दोस्तों जितने भी सारे मेरी फ़ोटो वगैरह है सब इस प्लस साइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जितने भी मेरी फ़ोटो है मोबाइल में सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। शो करने के बाद दोस्तों के कुछ यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली सिंपली इस फ़ोटो के सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनपुट करना है। इनपुट करने से दोस्तों ये फोटो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके मोबाइल में नहीं शो करेगा। अगर आपको एसएमएस या फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अगर इस पर हाइड करना है तो सिंपली आपको दोस्तों प्लस में क्लिक करने के बाद आप इस पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर एसएमएस दोनों एक ही जगह में आपको मिलेगा। जैसे एज यूजल मैं अगर कोई एसएमएस को अगर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले एसएमएस के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर अलाउ करने के बाद कोई भी एक एसएमएस को मैं पकड़ लेकर यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। इनपुट करने में क्या होता है दोस्तों ये अपने अंदर इसमें डालने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो ये इसमें से यहाँ पर आ गया। ये ऑटोमेटिकली सेव अगर मैं कॉन्टैक्ट को करना चाहूँ तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैं प्लस साइन में क्लिक करके मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट को भी जस्ट सेकेंड यहाँ पर मैं प्लस साइन को क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी कॉन्टैक्ट कोई भी अपनी कॉन्टैक्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको डाल सकता हूँ। तो अब दोस्तों अब ऐप बात आ जाता है ऐप लॉक। ऐप लॉक में दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर ओनली फॉर 5 ऐप्स ही आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आप मल्टीपल चॉइस आपके फ़ोन पे जितने भी ऐप है सबको मिला के टोटल ऑफ 5 ऐप्स ओनली फॉर 5। जैसे एक व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सब कुछ आपके मैसेंजर हो गया, सब कुछ मिला के टोटल ऑफ 5। मैंने यहाँ पर 5 मैंने ऑलमोस्ट मैंने सिलेक्ट करके रखा है। अगर आप नहीं रखे तो रख सकते। अब अगर आप चाहते हैं नॉर्मली इसको लॉक करना तो आप सिंपली इसको लॉक में क्लिक करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। बेसिकली लॉक इसमें ओके कर दीजिए तो ये सब कुछ यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लॉक करने के लिए मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ऑथराइजेशन यूज टू एक्सेस में यहाँ पर मुझे सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद दोनों यहाँ पर दोस्तों आपको एक जगह में लेके जाएगा जो सेटिंग की एक स्टोर है। मैं आपको दिखा देता हूँ भी इसको। यहाँ पर ये जो वर्टिल बोल के जो ऑप्शन है वॉल्ट बोल के इसको आपको क्या करना है ये दो नीचे में दो जो है इनको आपको सिर्फ परमिशन करके इसको ऑन करना पड़ेगा। एक
यहाँ पर एक है दो, आपको इन दोनों दोस्तों परमिशन करके ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर सेटअप ऑथोराइजेशन से फॉरगेट है विंडोज सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको परमिशन डाउन करना पड़ेगा और एक जगह है थर्ड जो स्टेप है, यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है एक्टिवेट का ऑप्शन, आप यहाँ पर एक्टिवेट करने में दोस्तों ओके करने से ये पाँचों ऐप को आपका लॉक रखिएगा। आपकी द्वारा जो आप पासवर्ड डाले हैं वही पासवर्ड से इसको ओपन करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इसको आपको लॉक करके दिखा दिया। और एक बात दोस्तों, ये हो गया आपको सारो प्रोटेक्टेड। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एज यूजुअल मैं अपना इसको खोलना चाहता है यूट्यूब को, तो यूट्यूब को देखिए दोस्तों मैंने यूट्यूब को यहाँ पर लॉक कर दिया था। एज यूजुअल अगर मैं कोई पासवर्ड यहाँ पर डालूँ तो ओके करूँ ये नहीं खुलेगा, अगर मैं रॉन्ग राइट पासवर्ड डालूँ तो ही ये खुलेगा दोस्तों। सिंपली ओके, मैं यूट्यूब को यहाँ पर खोल के मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यूट्यूब मेरा खुल चुका है। तो ऐसे जितने भी सारे आपने सॉफ्टवेयर को लॉक किया है सब कुछ यहाँ से खुल जाएगा। आपने ओनली फॉर फाइव भी आप इंस्टॉल कर से यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। इसके सिवा अगर ज़्यादा आप अगर चाहते हैं लॉक करना तो आपको 35 रुपीज़ यानी सॉरी 45 रुपीज़ आपको मंथली बेसिस चार्ज देना पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने में। तो आप जितना हो सके आप सभी अपनी जितने भी फ़ोन में आपके ऐप से सबको आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अगर अनइंस्टॉल या फिर इस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हैं तभी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल इस सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैं डिलीट के बटन में जाके इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोस्तों आपके फ़ोन में विद परमिशन में ये आया है। इसको कोई भी अगर आपका फ़ोन अगर समझ लीजिए कोई आपको फ़ोन छेड़खानी कर रहा है इसको अब डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, ये एज यूजल डिलीट भी नहीं होगा। अब इसको डिलीट करने के लिए कहाँ से क्या करना पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए दोस्तों अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट सेकेंड। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स के बाद एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिलेगा दोस्तों प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको जाने के बाद यहाँ पर दिखाईगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो ऐप है नो मोबाइल वर्ल्ड, ये जो ऑप्शन है NQ, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद ही दोस्तों ये सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से डिलीट कर सकेंगे। मैं सिंपली आप इसको ड्रैग करके मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद ये सॉफ्टवेयर ये अनइंस्टॉल हुआ, पहले ये नहीं हुआ था। तो इसमें सो मैंने आपको इंस्टॉल इसको कैसे काम करते हैं कैसे अनइंस्टॉल करते हैं सब कुछ मैंने आपको इस ऐप में मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों मैंने तो आपको दिखा दिया कि इसको कैसे यूज करना है सारा डिटेल्स, तो काइंडली आप भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा इसके लिए। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.